इनेलो की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक का आयोजन सिरसा में किया गया। बैठक में इनेलो नेता अभय चौटाला, प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा, सांसद दुष्यंत चौटाला सहित इनेलो के विधायक पदाधिकारियों सहित बसपा के प्रदेश स्तरीय नेता मौजूद रहे। इस प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी की बैठक में 3 प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक के बाद इनेलो प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि बैठक में 3 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा खरीफ की फसलों पर तय न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर सरकार द्वारा जो वाहवाही ड्यूटी जा रही है, इनेलो इसकी घोर निंदा करती है। अशोक अरोड़ा ने भाजपा सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा जो खरीफ की फसलों के मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किए गए हैं और जिसकी आज बड़ी वाहवाही लूटी जा रही है, हमने उसकी निंदा करी है कि किसान के साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया है। क्योंकि जो लोग सरकार में आने से पहले डॉक्टर स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की बात करते थे, जो लोग सन 2022 में किसान की आमदन डबल करने की बात करते थे, इन फसलों के रेट देकर अपना किसान विरोधी चेहरा उन्होंने लोगों के बीच में दर्शाया। और हरियाणा प्रदेश की सरकार के कृषि मंत्री ढोल बजा रहे हैं, मंत्री नाच रहे हैं, जबकि जो धान का रेट दिया गया है वो 200 रुपये क्विंटल बढ़ाया गया है। और सरकार द्वारा 2017-18 में हरियाणा प्रदेश के कृषि विशेषज्ञों की राय से, हरियाणा प्रदेश के मंत्री और मुख्यमंत्री की रिकमेंडेशन से जो केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था कि 1 क्विंटल धान पे पैदा करने पे किसान का 2860 रुपये खर्च आते हैं, ये 17-18 की रिकमेंडेशन है। और उसके बाद GST लगाकर खाद पे रेट बढ़ाया, कीटनाशक दवाइयों के रेट बढ़े, इसी प्रकार ट्रैक्टर पार्ट्स के, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के रेट बढ़े और डीजल का 10 रुपये से ज़्यादा लीटर बढ़कर इन्होंने जो रेट किसान की कोस्ट आती है उसे और बढ़ी है। और ये 1750 रुपये भी नाच देकर नाचने का काम कर रहे हैं। तो ये केवल और केवल किसान के साथ धोखा है। इस चीज़ का प्रस्ताव पास किया गया कि सरकार सही मायनों में जो लागत मूल्य केंद्र की सरकार को प्रस्ताव भेजा है उसके ऊपर 50% प्रॉफिट दे ताकि किसान को कर्जे से बचाया जा सके। दूसरा, प्रदेश में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था पर चिंता जाहिर की गई। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक इस संसार के अंदर सबसे ज़्यादा अपराध महिलाओं पे भारत देश में होते हैं और भारत देश में सबसे ज़्यादा हरियाणा प्रदेश में है। इसकी चिंता जाहिर की गई और साथ में एक प्रस्ताव ये भी पास किया गया कि हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार तुरंत विधानसभा का सत्र बुलाए और जो लोग ये आज किसान के साथ धोखा कर रहे हैं उस पर विधानसभा में चर्चा, और विधानसभा में चर्चा करके एक सर्वसम्मत रिकमेंडेशन केंद्र की सरकार पे पुनर्विचार करने के लिए भेजी जाए। मैंने बताया कि हमारी पार्टी की तरफ 3 प्रस्ताव पास किए गए।